अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बनाना पैनकेक की रेसिपी। इंतहाई जायकेदार बनता है और इसे बनाना बेहद ही आसान है। आप इसे टी टाइम हो या फिर एनी टाइम बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से और मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार होता है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पैनकेक के लिए हम यहाँ पे एक कटोरी मैदे का आटा ले रहे हैं और ये रहा शुगर पाउडर। एक चम्मच लिए हैं बेकिंग पाउडर। हम यहाँ पे इतना सा बेकिंग पाउडर ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा पैनकेक बना रहे हैं तो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और दो बड़े चम्मच लिए हैं ऑयल। हम इस पैनकेक में 3 केले डाल रहे हैं। जब भी आप बनाना पैनकेक बना रहे हैं तो ज़्यादा पके हुए केलों का इस्तेमाल करें, इसे जो है इसका फ्लेवर डबल आएगा। तो हम सारे केलों को कट कर लिए हैं और इस जार में डाल लिए हैं। इसका हम बारीक पेस्ट बनाएंगे। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बनाना का पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा है। ये देखिए, आपको इसे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करना है। हम यहाँ पे एक बड़ा बॉल लेंगे और इस बॉल में ये बनाना का पेस्ट ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। आप जितना मीठा चाहते हैं उसके हिसाब से शुगर पाउडर कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा मैदे का आटा। वैसे अगर आप वनीला पैनकेक की रेसिपी देखना चाहते हैं तो पहले से इसकी रेसिपी अपलोड की गई है, ऊपर आई बटन पे इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आटा भी हम ऐड कर दिए, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एक साथ ही सारे पानी का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। जब भी आप पैनकेक बना रहे हैं तो उसके बैटर को ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, इससे जो है पैनकेक ठीक से नहीं बनता है। इसमें हम और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए, इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके पैन को हम 5 मिनट पहले ही लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिए हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है, ना ही तो ज़्यादा लूज़ है और ना ही तो ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हमारा बैटर बन के तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो चलिए हम इसके पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। जब भी आप पैन पे बैटर डाल रहे हैं तो इसका फ्लेम लो रखें। अगर इसका फ्लेम हाई रह गया है तो आपके पैनकेक जल भी जाते हैं। आप जितने साइज़ का पैनकेक बना रहे हैं उसके हिसाब से बैटर कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बैटर को एक ही डायरेक्शन पे डालते रहना है, ये खुद ही फैल जाएगा। बैटर को हम रख लिए हैं और इसको हम 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे। तो गाइस, हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर ऐसे बबल्स आए हैं। इसको हम पलट देंगे और ये देखिए, हमारे पैनकेक का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल भी नहीं जला है। दूसरी साइड भी हम इसको बंद करके रखेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो हमारे ये भी 2 मिनट हो चुके हैं, इसको भी हम पलट देंगे। तो गाइस, ये देखिए हमारा पैनकेक दोनों तरफ से अच्छे से बेक हुआ है, इसको हम निकाल देते हैं। और फिर इसी तरह करके हम दूसरे पैनकेक भी बना के तैयार कर लेंगे। तो हम दूसरा भी डाल लेते हैं, जैसा हम पहले किए थे बिल्कुल उसी तरह इसको भी करेंगे। अब 2 मिनट तक इसको बंद कर देते हैं। तो ये भी 2 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से बबल्स हैं। इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इस पर। फिर से बंद कर देते हैं। तकरीबन हम इसको और 2 मिनट तक ऐसे ही रख दिए थे, तो इसको हम निकाल देंगे। इसकी साइड को हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 पैनकेक बनके रेडी हैं। तो ये हमारे सारे पैनकेक बनके तैयार हो चुके हैं, देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसके ऊपर हम रूह अफ़ज़ा गार्निश कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएँ और इसे इंजॉय करें। आपको हमारी ये पैनकेक की रेसिपी कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप हमारे चैनल शहदाज कुकिंग पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं कोई न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।